कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान। तो यहीं से सोयाबीन की बात करेंगे अब। तो सोयाबीन में हमने देख लिया है कि जो कीमतें हैं 7,900 तक गई थी NCDX पर, उसके बाद से मुनाफा वसूली बनी। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर US सोयाबीन की बात करें तो US सोयाबीन $1,700 के आसपास ही ट्रेड करता नज़र आ रहा है। आज कुछ हल्की सी करेक्शन है लेकिन $1,693 पर ही है, $1,700 की हल्का सा नीचे स्लिप हुआ है। लेकिन ओवरऑल रुझान सोयाबीन में तेज़ी वाला ही बताया जा रहा है कि सोयाबीन की कीमतों में ओवरऑल रुझान तेज़ी का ही है। आपको बता दें कि ब्राज़ील और अर्जेंटीना में सोयाबीन का उत्पादन प्रभावित हुआ था, ये मार्केट टाइम सीवी आपको पहले से ही बताता आ रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल प्रोडक्शन सोयाबीन का कम रह सकता है। फिर दूसरा, भारत में भी किसानों ने ज़्यादातर सोयाबीन स्टॉक करी थी, जब कीमतें बढ़ गई थी उसके बाद बेचा था, तो ऊपरी स्तर भी हमने सोयाबीन में बनते हुए देखे हैं। बीच में 7,700-7,800 तक के जो लेवल्स थे सोयाबीन में, वो भी देखने को मिले थे किसी किसी मंडी के अंदर। किसानों ने इन लेवल्स पर भी अपनी सोयाबीन की बिकवाली की है। वहीं किसानों को अब भी उम्मीद है कि जो सोयाबीन है 8,000 के पार जाती नज़र आ सकती है। तो ऐसे में जानकार भी जो हैं वो भी पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं कि जिस हिसाब से खाद्य तेलों की कीमतों में तेज़ी है, रशिया और यूक्रेन की युद्ध की वजह से खाद्य तेल की जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हुई है, पामोलिन और CPO के तेल के दाम बढ़े हुए हैं, तो ऐसे में इन सब का सपोर्ट सोयाबीन की कीमतों को ज़रूर मिलता नज़र आएगा। और सोयाबीन की जो कीमतें हैं आने वाले समय में 8,200-8,300 तक के भी जो लेवल्स हैं वहाँ तक जा सकती हैं, ऐसा अभी जानकारों का कहना है। तो ओवरऑल रुझान सोयाबीन में भी आगे तेजी वाला ही रहने वाला है। शादी का सीज़न है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है, ऐसे में आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाएं अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।